हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अदरक या जिंजर के मर्दों के लिए क्या फ़ायदे होते हैं। जिंजर एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिनल औषधि है और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारा शायद कोई ही बॉडी का ऐसा सिस्टम होगा जहां पे अदरक का इफेक्ट ना आता हो, चाहे वो डायबिटीज़ कंट्रोल करने में हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हो, चाहे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखने में हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में हो, यहाँ तक के कैंसर की बीमारी को भी ये कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये मर्दों को फ़ायदा पहुँचाता है, ख़ास तौर से उनके सेक्सुअल फंक्शंस को लेके, और अगर कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं उनको आप कैसे इससे ठीक कर सकते हैं। अदरक जो है वो पुराने ज़माने से, प्राचीन ज़माने से यूज़ होता आया है, ख़ास तौर से एफ्रोडाइसिक के तौर पे या लिबिडो को इम्प्रूव करने के लिए, ख़ास तौर से मर्दों की। इसका कारण ये होता है क्योंकि इसके अंदर जो है कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी मूड को एलिवेट करते हैं, जिससे आपका एंजाइटी और स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। तो एक बेनिफिट तो यह है कि आपके मूड को एनहांस करता है। दूसरा बेनिफिट इसका यह है कि ये शुगर के लेवल्स को भी कम करता है, क्योंकि इससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, ये बीटा सेल्स पे अपना इफेक्ट करता है। तो अगर ग्लूकोज का लेवल कम होगा, ब्लड शुगर का लेवल कम होगा, तो आपकी जो डिज़ायर है वो बढ़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा ब्लड शुगर के मरीजों में जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो कम हो जाती है। तो अगर ये ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करेगा तो आपका डिज़ायर भी इम्प्रूव होगा। उसके अलावा जो इसके अंदर कुछ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, वो स्टिमुलेटेंट्स का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो तेज़ी से होने लगता है। और जब ब्लड का फ्लो आपकी ऑर्गन की तरफ बढ़ता है तो आपको जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है, यानी कि इरेक्शन में आपको फ़ायदा मिलता है, जिससे आपकी पावर बढ़ती है, वाइगर बढ़ता है, और आपके जो बॉडी फंक्शंस हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग करने में ये मदद करता है। इसके अलावा साइंटिफिक स्टडीज़ में ये भी पाया जाता है कि जो अदरक के अंदर कुछ एक्टिव एल्कलॉइड्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इम्प्रूव करते हैं, आपके गोनेट्स पे इफेक्ट डालते हैं, और अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपका इम्प्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो मेंस के जो फंक्शंस हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे, और आपकी जो वीकनेस है या जो डिसेबिलिटी है या जो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हैं या इवन इम्पोटेंसी जैसी चीज़ें हैं उनको कम करने में अदरक काफ़ी हद तक आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ ये स्पर्म के काउंट को भी बढ़ाता है, और अगर स्पर्म का काउंट बढ़ता है तो उसकी वजह से सीमन की जो है वो विस्कोसिटी बढ़ जाती है, सीमन गाढ़ा हो जाता है और थोड़ा हेल्दी हो जाता है। वहाँ पे भी जो इसकी एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर वहाँ कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं तो उसको भी ये सप्रेस करके रखता है। तो इस तरह से भी ये आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो अदरक का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप रोज़ उसको चाय के साथ तो पी सकते हैं, आप खाने में सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको मेडिसिन के तौर पे, उसके पूरे फायदे आप उठाना चाहते हैं, तो उसको आपको मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल करना चाहिए। सिंपली आपको क्या करना है कि आप आधा चम्मच अदरक का पाउडर ले लीजिए 5 से 6 ग्राम, और उसमें शहद मिला दीजिए अगर आप डायबिटिक नहीं है तो, और इसको आप सुबह शाम इस्तेमाल करते रहिए। सिर्फ इतना करने से आपके फंक्शंस बढ़ते जाएंगे, और अगर साथ में अश्वगंधा या अश्वगंध पाउडर भी ले लेते हैं या अश्वगंध की टैबलेट्स आती है वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिंपली आप इसको, अदरक को चाय के साथ साथ तो ले ही सकते हैं, सूप में बना के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सिंपली इसको उबाल के और उसके रस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप अदरक लें, इसके जब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके अंदर जाएंगे तो आपकी पावर को और वाइटिलिटी को बढ़ाएंगे और आपके फंक्शंस को इम्प्रूव करेंगे। तो मुझे उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वाकई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, सो दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहे। थैंक यू।